अरे ये कंफर्म करिए कि बच्चा आएगा नहीं आएगा, अच्छा वो 3 बजे जो भी हम एक्चुअली इसमें बहुत अनसर्टेन है चीज, कुछ सर्टेन नहीं है, कभी कोई आता है नहीं आता है। अरे मैम क्लास का बताइए थोड़ा। अरे हेलो आर्यमन, हाउ आर यू? यस ओके दैट्स गुड। ओके मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? यस सर। ओके ठीक है। सो लास्ट हमने क्या पढ़ा था कुछ याद है आपको? फ्लूइड मैकेनिक्स में आई थिंक हम लोग पढ़ रहे थे। हाँ यस सर। सो आई थिंक हमने बर्नौली इक्वेशन को कंप्लीटली डिराइव भी कर लिया था, और कुछ क्वेश्चन हमने किया था क्या उस पे बेस्ड बर्नौली थ्योरम पर? एक्चुअली उसमें शायद एक वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स में भी शायद हम लोगों ने कर लिया था, एक बार आप देख के बताओ सो दैट पूरा मैं उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक साथ देखना लास्ट क्वेश्चन ये था क्या कुछ ऐसे बीकर था एंड लाइक दो क्वेश्चन इसमें था। यहाँ पे आपको ऐसे रहोगे, वाई हाइट पे ऐसे एक ओपनिंग है एंड ऐसे एच हाइट तक वाटर फिल्ड है यहाँ पे इस तरीके से। सो आपको क्या बना बताता वाई फॉर मैक्सिमम रेंज, ये शायद क्वेश्चन आपने किया था या नहीं किया था आप देख के बताओ, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ उसके बाद।
हाँ सर कर लिया था। अच्छा ये वाला पार्ट हो गया था, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। चलो एक और देखते हैं इसके सिमिलर, बट आई थिंक शायद अगर अगेन फिर से अगर ये हो गया था तो बता, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। कई सारी क्लासेस होती हैं तो उसमें कुछ क्लासेस में सेम टॉपिक चल रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे था एक लाइक एक बीकर, इसमें दो लिक्विड फिल किए गए हैं। एक लिक्विड है, ये हाइट इसका 2h है, इसकी डेंसिटी 2ρ है, और ये सेकेंड लिक्विड है जिसकी हाइट ये h है और डेंसिटी ρ है। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, लाइक यहाँ पे एक ओपनिंग है, एक टैप लगा हुआ है, सो इसकी वेलोसिटी आपको बतानी थी। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था या फिर करना है हमें? सही करना है। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, एक सिंपल सा कंटेनर है, टोटल हाइट इसकी 3h है राइट, और नीचे से अगर हम देखें तो नीचे से 2h हाइट तक एक फूड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी 2ρ है, एंड उसके ऊपर h हाइट तक एक अनदर डिफरेंट फूड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी ρ है। दोनों जो इमिसिबल है, मींस दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते राइट। तो अगेन हमें ये जो ये इसको हमने क्या बोला था, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, ये चीज बतानी है आपको यहाँ पे। अगेन आपको सिंपल डायरेक्टली आपको क्या यूज करना है, बर्नौली इक्वेशन यूज करना है। अब उसको अगर आप सही तरीके से यूज कर लोगे तो आप सॉल्व कर लोगे। समझ में आ रहा है मैं कैसे इसको सॉल्व करना है? हाँ ये सही ट्राई कर।
आंसर आ गया अरमान? सर ऑलमोस्ट है। ओके कोई बात नहीं। देखो बेसिकली इसमें थोड़ा सा चेंज बस ये है कि जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो जिस भी इंस्टेंट पे हम इक्वेशन लिखते हैं बिकॉज चीजें वेरी कर रही हैं, तो उस इंस्टेंट पे क्या होगा, उस इंस्टेंट को उस दोनों पॉइंट को हमें ऑब्जर्व करना है, उस दोनों पॉइंट पे जो फ्लूड फ्लो कर रहा है उसको हमें ऑब्जर्व करना है, राइट। तो ये इनिशियल स्टेज है बेसिकली इसका। तो इस इनिशियल स्टेज पे पॉइंट वन और पॉइंट टू को देखें अगर हम, तो पॉइंट वन इज ओपन टू एटमोसफियर और ये भी ओपन टू एटमोसफियर है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा पॉइंट वन पे पी नॉट, और अगेन लाइक दिस प्रोजेक्शन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दिस। आंसर कितना आ गया सर? रूट फाइव जी एस राइट। हाँ सही है, सही ठीक है, सही ठीक है, बहुत ठीक है। लाइक ये पी नॉट हो गया और इसका हम लाइक प्रेशर रो जी एच के टर्म्स में हम लिखेंगे, तो इस पार्ट का अलग से और इस पार्ट का अलग से। तो फर्स्ट नीचे वाले पार्ट क्या हो जाएगा, टू रो इंटू जी इंटू टू एच हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, रो इंटू जी इंटू एच हो जाएगा, राइट। और इसका वेलोसिटी नेग्लिजिबल हम मानते हैं, टू जीरो हो गया। सेकंड वाले पार्ट का पी नॉट प्लस हाफ इंटू टू रो इंटू वी स्क्वायर प्लस जीरो, ठीक है। इसको पी नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा फाइव रो जी एच आ जाएगा और ये रो वी स्क्वायर आ जाएगा। सो रो वी से कट जाएगा, वी क्या आ जाएगा अंडर रूट फाइव जी एच। चलो बहुत बढ़िया, ऐसे क्यों आप या फिर किसी और तरीके से किया सर? यही किया मैंने। ओके गुड, चलो बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं वेंचुरी मीटर, इसकी क्या एक एप्लीकेशन है बर्नौली थ्योरम का। वेंचुरी मीटर बेसिकली ये क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पाइप्स में जिसमें डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस होते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर जगह पे हम डिफरेंट क्रॉस सेक्शन चेंज करके वहां पे उसकी स्पीड फाइंड करने के लिए, राइट। ये कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे देख सकते हैं लेटर्स ऐसे, कुछ ऐसा शेप होता है और एक वो नैरो ओपनिंग्स, ओपनिंग्स नहीं बेसिकली ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ऐसे दो ओपनिंग्स होती है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। और इसमें क्या है, ये ऐसा फ्लूड फ्लो कर रहा होता है टाइप इस तरीके से। सो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे दो क्रॉस सेक्शन हो गए, लेट अस सपोज ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए वन है और जो फ्लो स्पीड है वो वी वन है, और ये जो क्रॉस सेक्शन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए टू है और जो फ्लो रेट है वो वी टू है। तो बेसिकली ये क्या, ये जो दो ट्यूब बनाए गए इसमें एक्चुअली हाइट डिफरेंस आ जाता है, और लेट अस सपोज इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं यहां तक, ये थोड़ा सा नीचे रहता है एज कंपेयर टू एक्चुअली ये जो पाइप आप देख रहे हो, ये जो पाइप ओरिजिनल पाइप में इसका जो हॉरिजॉन्टल लेवल है फ्रॉम अर्थ सरफेस जो भी हम सरफेस लेते हैं उससे क्या सेम है, ये अगर हम फ्रंट व्यू देखें सामने से तो हमें ये ऐसा दिखता है, बट हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है इसका सेम है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल की वजह से कोई प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा। जो फ्लूड फ्लो हो रहा है उसकी वजह से क्या क्या क्रिएट होगा, प्रेशर डिफरेंस, बिकॉज क्या है यहाँ पे एक जो साइज है क्रॉस सेक्शन एरिया वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वी वन है यहाँ पे वी टू है, और लेट अस सपोज कि ये जो हाइट रेज हुआ, अगर ये हाइट एच वन है एंड अगर ये हाइट जो एच टू है, तो ऑब्वियस बात है जो डिफरेंस है डिफरेंस कितना हो जाएगा, सॉरी ये इस हॉरिजॉन्टल लेवल से पूरा हम हाइट लेते हैं यहाँ से, ये इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ये जो लेवल यहाँ से हम हाइट ले लेते हैं, दिस इज होल इज एच वन एंड दिस होल इज एच टू, तो ये जो डिफरेंस कितना आ जाएगा, दिस डिफरेंस विल कम सिंपली एच वन माइनस एच टू, राइट। इसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी ए पॉइंट पे और ए टू पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है। तो लाइक सिंपल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम अप्लाई करेंगे, दैट इज ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू, उसके बाद हम क्या लगाएंगे बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे, तो जो फाइनल रिलेशन आता है वी वन का, अगर वी वन के टर्म्स में अगर हम इसको लिखे तो वी वन आता है अंडर रूट टू जी एच वन माइनस
एच टू डिवाइडेड बाई ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर अंदर ही रहेगा क्या ये ए वन स्क्वायर कि हमारा रिजल्ट ए वन स्क्वायर है तो इसको सॉरी दिस विल बी ए टू स्क्वायर ये टू स्क्वायर सी हमारा वी वन मीन्स ये जो वन क्रॉसेक्शन उस क्रॉसेक्शन के लॉन्ग वेलोसिटी है इन टर्म्स ऑफ एच वन एच टू हाइट डिफरेंस हमें पता होता है क्रॉसेक्शन एरिया हमें पता होता है तो उसके टर्म्स में वी वन में हमें पता चल गया कि इस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का यूज करके हम वी टू में भी जो फ्लो स्पीड है जो फ्लूड की फ्लो स्पीड वो चीज हम फाइंड कर सकते हैं ये ऐसा अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं इस तरीके से व्हाट इज वेंसुरीमीटर इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर लिक्विड फ्लो स्पीड इन पाइप्स डिवाइस यूज्ड टू मेजर लिक्विड फ्लो स्पीड इन पाइप्स ये पाइप्स में क्या करते हैं लिक्विड फ्लो स्पीड को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इसको यूज करते हैं प्रैक्टिकल यूज में इसका काफी है राइट समझ में आ गया आपको ये हाँ यस एक मिनट में नोट डाउन कर लो ओके कर लो करो नोट डाउन करो इसको हो जाएगा तो बता देना हम आगे बढ़ते हैं सर थोड़ा सा नीचे करना ये बात कर लें दिस इज क्रॉस सेक्शन वन ये क्रॉस सेक्शन वन है एंड दिस इज क्रॉस सेक्शन टू ये क्रॉस सेक्शन चलो कुछ और फटाफट हम थ्योरी पार्ट देख लेते हैं फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे एक टर्म है अगर आपने पढ़ा होगा तो बता देना मैं क्विकली कर लूंगा विस्कोसिटी विस्कोसिटी क्या होता है समझते हो आप फ्लूइड फ्रिक्शन राइट फ्लूइड फ्रिक्शन तो जो विस्कस फोर्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है विस्कस फोर्स या जो फ्लूइड फ्रिक्शन ही है उसकी वैल्यू क्या होती है और किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है इस विस्कस फोर्स या बेसिकली लाइक द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं नहीं पता आपको चलो कोई बात नहीं क्विकली हम रिवाइज लेते हैं अगर लाइक प्रैक्टिकली एकदम एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते बट जो ऑब्जर्वेशन ये बोलते हैं लेट अस सपोज अगर ऐसे कोई रिवर फ्लो कर रही है फिर कैनाल है कोई भी ऐसा चीज हो सकता है सो ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया कि जो टॉप लेयर है ना इसका स्पीड अगर लाइक मैं जो एरो बना रहा है बेसिकली इट्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड या वेलोसिटी
अगर इसका स्पीड कुछ लाइक मैग्नीट्यूड इतना है तो जो जस्ट उसके नीचे लेयर होगी उसकी जो स्पीड होगी स्लाइटली लेसर देन द प्रीवियस वन, इस तरीके से होगी। एंड जैसे हम नीचे आते जाएंगे जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इट विल डिक्रीजेस इस तरीके से, और लेयर जो जस्ट बॉटम सर्फेस को टच कर रही होती है वेलोसिटी होती है बट बहुत ही निग्लेजिबल होती है, ऐसा हम नहीं बोल सकते फ्लो नहीं करता है, होता है बट बहुत कम होता है। जितना हम नीचे जाएंगे उतना बॉटम लेवल की वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। या फिर ये बोला जाता है कि जो सरफेस लाइक अगर ये सबसे बॉटम सरफेस है अर्थ सरफेस है तो लेयर which is just touching this surface, उसकी जो velocity negligible मानी जाती है, ठीक है कहीं होता है कभी नहीं होता और factors पे depend करता है, right? तो ये जो force है, जो एक दूसरे layer के बीच में लग रहा है, किस किस पे depend करता है, this force is proportional to cross-sectional area पे depend करता है ये, और ये velocity factor या इसको क्या बोलते हैं, velocity gradient, right? velocity gradient को dv by dy या dz भी कई जगह लिखा जाता है, basically velocity dv means change in velocity in dy length, dy thickness basically, not length, dy thickness. Let us suppose कि अगर ये layer 1 है, ये layer 2 है, तो इन layer 1, layer 2 के बीच thickness अगर dy है, और इन दो layers के velocity का जो difference है, वो dv है, right? ये basically इसको क्या बोलते हैं, velocity gradient, right? Velocity gradient होता है, right? तो basically दो factor, फिर उसको अगर proportionality हम हटाते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, तो जो विस्कस फोर्स क्या आ जाता है नेगेटिव, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है, माइनस टाइम एटा इनटू ए इनटू डीवी बाय डीवाई, राइट, एटा इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, राइट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कई बार जेई मेंस में डायरेक्टली भी क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस्ड पूछ दिया गया है, ठीक है, चीजें पूछी जा सकती है, राइट। इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, इसकी जो यूनिट होती है क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट, इसको पॉइज़ोली लाइक इस तरीके से, राइट, पॉइज़ोली या फिर मोस्टली कई बार ये इसका क्या एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट है, कई बार सीजीएस यूनिट में भी देता है, सीजीएस यूनिट में क्या है, इसको बोलते हैं पॉइस, POISE, राइट, और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, सिंपली 1 पॉइज़ोली इज इक्वल टू 10 पॉइस, ये सिंपल रिलेशन होता है, किसमें एसआई यूनिट इज पॉइज़ोली एंड सीजीएस यूनिट इज पॉइस, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट ऑफ सर। वेलोसिटी ग्रेडियंट समझा देना, थोड़ा सा कंफ्यूज है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है ना, जैसे कि कोई भी दो लेयर अगर आप चूज करते हो, ठीक है, एक मिनट सुन, चलो एक मिनट में दूसरा प्लेस बना, मान लो कि आपने फर्स्ट लेयर ये चूज करी, ये सबसे टॉप पर, ये दूसरी लेयर ये चूज करी, ठीक है, तो इस लेयर की कुछ वेलोसिटी होगी v1, इस लेयर की कुछ वेलोसिटी होगी v2, और इन दो लेयर के बीच में कुछ डिफरेंस होगा, कुछ थिकनेस होगा, राइट, उसकी वेलोसिटी कुछ ये है और जो बॉटम लेयर है उसकी वेलोसिटी नेग्लिजिबल है, एंड जो टॉप और बॉटम लेयर का जो लेंथ है, जो हाइट है, वो इतना दिया हुआ, तो ठीक है, लाइक जो बॉटम सरफेस की वेलोसिटी जीरो है, टॉप सरफेस की कुछ वेलोसिटी दिया हुआ, और हमें हाइट को दिया हुआ या लेंथ दिया हुआ है या डेप्थ जो भी दिया हुआ, वो सिंपली हम लाइक नीचे का जीरो होगा, इवन जीरो होगा, तो अपन लेंथ हम लिख लेंगे, लेंथ या डेप्थ जो भी दिया जाता है, समझने के लिए दो लेयर्स के बीच का जो थिकनेस डिफरेंस है, जो भी वाई के टर्म्स में अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं, अपन चेंज इन वेलोसिटी, राइट, वी टू माइनस सी, समझ में आ गया अभी, ये अपलोड के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट।
इससे जेई मेंस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, फॉर्मूला बेस्ड आता है और खैर यूनिट कभी कभी खैर यूनिट से ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर सीजीएस में हम यूनिट यूज कर रहे हैं, अगर एफआईएस हम यूज कर रहे हैं तो बाकी सारी जो यूनिट्स है वो भी सीजीएस में होना चाहिए, लेकिन एरिया सेंटीमीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में, डी बाई डी डी जेड वो भी, खैर डीवी इसमें अगर डी को क्या लिखोगे आप सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर जाएगा पर सेकंड ही आ जाएगा, वो चीज ध्यान रखें। विस्कस फोर्स जो आएगा वो भी सारी सीजीएस में आएगा टाइम, थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके चलो एक क्वेश्चन, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, थोड़ा सा और चीजें क्लियर हो जाएगा। एक ऐसे क्या है कि रिवर फ्लो कर रही है इस तरीके से ऐसे, एंड ये जो रिवर की डेप्थ है दिस इज 1 मीटर, ये 1 मीटर की है, एंड इसके टॉप लेवल पे ऐसे बोट है, इट इज ए बोट, बोट है जो राइट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, और इस बोट का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर, और क्या चीजें इसमें दे सकता है, हाँ ये जो बॉटम सरफेस है इसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है, रिवर हो गया वाटर हो गया, तो आपको ये बताना है फाइंड मिनिमम फोर्स नीडेड फॉर द बोट टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मैं लिख देता हूँ फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड so that boat can move with constant speed, like force obviously कौन लगाएगा, जो boat में engine लगा होगा वो लगाएगा, right? So minimum force required है, minimum force exerted by the engine of boat so that boat can move with constant speed, speed कितनी है 2 meter per second, लाइक वो उसको ये वैल्यू आपको चाहिए, एटा की एटा कितना हो जाएगा 10^-2 π, ये एटा की वैल्यू दी, फिर फॉर्मूले पे आपको डायरेक्टली पुट करके वैल्यू निकाल लेना है, इसमें कुछ वैसे खास नहीं। विस्कोसिटी तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है ना, एक्चुअली विस्कस फोर्स बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जब ये बोट इस डायरेक्शन में ऊपर की कोशिश करेगा तो ये जो फ्लूइड इसके टच में होगा यहाँ पर ये रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, एक फ्लूइड फ्रिक्शन, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि फोर्स रिक्वायर्ड मींस हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स दिस इंजन इन बोट शुड एग्जर्ट सो दैट दिस बोट कैन मूव विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, ये क्वेश्चन, यहाँ ऑब्वियसली विस्कस फोर्स के इक्वल ही उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, सो दैट 2 × 10^-2 है ना, राइट, सिंपल है दैट फार्मूला पे माइनस एटा ए डीवी बाय डीवाई, बाकी सारी वैल्यूज दी हुई
ये सीजीएस यूनिट में दिया है तो उसमें कन्वर्ट करेंगे क्या आ जाएगा 10^-3 आ जाएगा, एरिया कितना 10 दिया हुआ है, डीवी कितना हो जाएगा 2/dy कितना बन, बेसिकली क्या आ जाएगा 2×10^-2 का नेगेटिव हमें सिंपल समझ में आ रहा है कि अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन है। इस तरीके से क्वेश्चन अब इसमें कुछ वैल्यू दे सकता है कुछ वैल्यू नहीं भी दे सकता है, इस तरीके सिंपल क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। एक्चुअली एक बार जेई मेंस में क्वेश्चन दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें मैग्नेटिज्म में इन्वॉल्व करके दिया था। अब वही चीज है कि 11th के जो भी चैप्टर्स हैं अगर आप जेई मेंस एडवांस में पूछ रहे हैं, जेई मेंस में भी कई सारे क्वेश्चन देता है जो 11th के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं 12th के चैप्टर्स में, मोस्टली यूज होते हैं मैकेनिक्स के, तो अच्छे तरीके से हमें सब याद होना चाहिए। ओके, स्टोक्स लॉ जानते हो आप क्या होता है? स्टोक्स लॉ थोड़ा बहुत, बेसिकली फॉर स्फेरिकल बॉल के लिए इन्होंने कुछ चीजें बताई थी। अगर हम स्फेरिकल बॉल को किसी फ्लूइड में रिलीज करते हैं, फेंकते हैं, गिराते हैं, तो क्या चीज होगी? इन्होंने क्या बोला कि देयर इज ए, अगर बहुत लॉन्ग ऐसा कोई रिवर सी कुछ भी हो सकता है, बेल भी हो सकता है, ठीक है, लाइक दिस हाइट इज मोर देन सफिशिएंट, इज सो हाई। तो इन्होंने क्या बोला कि इफ यू रिलीज एनी स्फेरिकल बॉल और ऑब्जेक्ट, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को अगर हम रिलीज करते हैं, ठीक है, ऐसे, तो ऑब्वियस बात क्या क्या फोर्स लगेगा, अगर हम काफी हाइट से रिलीज करेंगे तो कुछ वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा, फोर्स क्या लगेगा, नीचे एमजी फोर्स लगेगा और बायसिंग फोर्स तो ऑब्वियसली लगेगा ही लगेगा। तो एक और फोर्स लगता है बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी की वजह से एक और फोर्स लगता है। एक्चुअली जो अभी हमने विस्कोसिटी के थ्रू जो फोर्स पढ़ा, ये बोल सकते हो कि वो चीज उन्होंने किसके लिए स्पेशली डिफाइन किया, स्फेरिकल बॉल के, इसको भी विस्कस फोर्स ही बोला जाता है, फॉर विस्कस फोर्स फॉर स्फेरिकल बॉल, सॉरी विस्कस फोर्स फॉर स्फेरिकल बॉल, ये केवल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही एप्लीकेबल है और किसी चीज के लिए नहीं। ये जो विस्कस फोर्स आया, जिसकी वैल्यू क्या आई, अगर किसी इंस्टेंट पे इस बॉल की वेलोसिटी वी है और ठीक है मान लेते हैं कि ठीक है जो फ्लूइड है इसका डेंसिटी रो है और इसका डेंसिटी सिग्मा है, तो फिर विस्कस फोर्स तो सिंपली आ जाता है 6 pi eta r into b, is the coefficient of viscosity, small r is the radius of the sphere, b is the velocity at that instant, उस instant पे उस spherical ball की velocity क्या, that is b, वो भी है basically, right? तो किसी भी instant पे अगर velocity भी है, तो viscous force किसी spherical object के लिए क्या लेगा, वो इन्होंने law दिया, right? और ये इसकी simple सी value 6 माइनस ऊपर ही लगेगा ना सर, क्या सर विस्कस फोर्स भी ऊपर की तरफ ही लगेगा ना? हां ऑब्वियसली माइनस का मतलब माइनस ऑफ बी, मींस अगर वेलोसिटी नीचे है तो ये किधर रहेगा, ऊपर लगेगा इस तरीके से। तो इसमें आगे क्या होता है, जैसे कि अब ऑब्वियसली क्या है कि इनिशियली वेलोसिटी इसकी ज्यादा होगी और जैसे-जैसे इसे फ्लूइड में फ्लो करता जाएगा रिटार्ड होता जाएगा, बारिश के समय में भी ऐसा ही होता है कि जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो भी एक सर्टेन टाइम के बाद ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, उस वेलोसिटी से वो फॉल कर रहे होते हैं, एक्चुअली एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, जो विस्कस फोर्स लगता है बिकॉज़ ऑफ द मॉइस्चर एंड एयर एयर पार्टिकल्स अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर, जो हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जो
एयर पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से वो चीज होती है। तो इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? तो सर कांस्टेंट वेलोसिटी वाला को टर्मिनल बोलते हैं। क्या चीज? सर जब ये कांस्टेंट है वेलोसिटी तभी इसको टर्मिनल बोलते हैं। मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। हाँ अभी मुझे याद है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज कांस्टेंट लाइक टर्मिनल वेलोसिटी। राइट सिंपल। अब इसके एक्चुअली ये कैलकुलेशन आप करोगे ना, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ पूरा, तो लाइक सिंपल आप ये बंसी फोर्स आप लिखो क्या, सॉरी वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर। राइट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी प्लस ये विस्कस फोर्स क्या आ जाएगा 6 पाई एटा आर बी प्लस एम जी। ये सारी वैल्यूज रखोगे आप तो ये बी का वैल्यू मिलेगा जो टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। इसी को क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी। ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाती है ATC, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं ये वैल्यू आती है 2/9 आर स्क्वायर जी बाई एटा इनटू सिग्मा माइनस रो। अगर आप ये डेरिवेशन करना चाहोगे तो खुद से कर सकते हैं, सिंपल ये रिलेशन है। इस रिलेशन में सारी वैल्यूज को आप पुट करो। सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉल, डेंसिटी ऑफ स्फीयर, ये उस स्फीयर की डेंसिटी है। रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, जी कांस्टेंट है 9.8, एटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये हमारा क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसके बाद क्या होता है? पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। सर वो आर स्क्वायर है ना, 2/9 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 2/9 इनटू आर स्क्वायर जी बाय एटा इनटू सिग्मा माइनस रो। ये लिख देना, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ दैट स्फीयर एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे, कई बार ग्राफ भी दे देते हैं, सिंपल इसका ग्राफ इसका टाइम वर्सेस वेलोसिटी का इस सिचुएशन में, मतलब अगर किसी स्फीयर का बॉल को हम रिलीज करते हैं तो उसका कुछ इस तरीके से, मतलब हमने जस्ट क्या कि किस पर्टिकुलर हाइट से उसको रिलीज करते हैं, तो ऑब्वियसली इनिशियली क्या होगा? एक्सेलरेट होगा क्योंकि वेलोसिटी जीरो अगर है इनिशियली, तो विस्कस फोर्स तभी लगेगा जब वेलोसिटी होगी। जैसे जैसे वेलोसिटी गेन करता जाएगा वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, विस्कस फोर्स इंक्रीज करेगा, इन सर्टेन टाइम पर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता, जस्ट इस तरीके से, जस्ट इसको टच कर रहा होगा एंड दिस वैल्यू विल बी व्हाट, दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ये ग्राफ फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, अगर किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को हम फ्लूड में हो गया या फिर एयर में भी उसको डिफाइन कर सकते हैं, एयर ड्रॉप्स के लिए डिफाइन होता है, उसके लिए भी हम कर सकते हैं। नोट डाउन कर लिया आपने इसको? यस। ओके, एक छोटी सी चीज और, एक्चुअली दो चीज और इसमें, बट एक चीज हम देख के फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं ज्यादा बेटर होगा। इस जेई मेंस में भी एक दो बार इसे क्वेश्चन पूछ लिया है। रेनॉल्ड्स नंबर आपने सुना कभी इसके बारे में?
नो सर ओके एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे उनका नाम रेनॉल्ड था तो उन्होंने काफी कुछ जो फ्लूइड की फ्लो है नेचर ऑफ फ्लो जैसे नेचर ऑफ फ्लो पे काफी रिसर्च किया कई सारे डाटा उन्होंने कलेक्ट किए तो नेचर ऑफ फ्लो का मतलब बेसिकली क्या क्या टाइप्स ऑफ फ्लो की स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है एक टर्बुलेंट फ्लो होता है अनस्टेडी फ्लो होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो मतलब की किसी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे हर पार्टिकल जो भी पार्टिकल वहां से पास कर रहे हैं फुल पार्टिकल हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी का उस क्रॉस सेक्शन के से जब हम पास करें तो क्या वेलोसिटी सेम मतलब ऐसा आप समझ सकते हो स्ट्रीम लाइन फ्लो लाइक दिस इस तरीके से अगर मैं कोई क्रॉस सेक्शन ये चूज करता हूँ जो भी पार्टिकल इस क्रॉस सेक्शन से पास करेगा हर एक पार्टिकल का इस पॉइंट पे स्पीड क्या होगा सेम दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल सकते हैं या फिर लैमिनर फ्लो भी बोल सकते हैं सेकंड क्या टर्बुलेंट फ्लो का मतलब क्या है टर्बुलेंट फ्लो फॉर एग्जांपल जैसे लेट अस सपोज कि ये पाइप है इससे फ्लूइड फ्लो हो रहा है मतलब कोई वाटर पानी फ्लो कर रहा है ऐसे इस तरीके से और हमने इसके सामने के कुछ हिंड्रेंस खड़ा कर दिया लेट अस सपोज हमने अपना हाथ ही लगा दिया या फिर कोई प्लेन सॉलिड ऑब्जेक्ट लेके आएगा तो क्या होगा वाटर इस पे टकराएगा और इधर इधर इस तरीके से स्प्रेड हो जाएगा फैल जाएगा ठीक है इस तरीके से तो जिसमें बहुत ज्यादा इररेगुलरिटी आ जाए जैसे सडन चेंज जब आ जाए राइट उस तरीके के फ्लो को क्या होते हैं टर्बुलेंट फ्लो होते हैं बहुत ज्यादा सडन चेंज बिकॉज ऑफ सम हिंड्रेंस कुछ एक्सटर्नल हिंड्रेंस की वजह से ये चेंजेस आते हैं थर्ड क्या होता है अनस्टेडी फ्लो क्या है अनस्टेडी फ्लो क्या ये ना ही स्ट्रीमलाइन फ्लो है ना ही टर्बुलेंट फ्लो है पर ये स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया टर्बुलेंट फ्लो हो गया अनस्टेडी फ्लो हो गया ये ना ही स्ट्रीमलाइन है मतलब कि स्ट्रीम में कुछ जगह ये स्ट्रीमलाइन को फॉलो करता है कुछ जगह टर्बुलेंट को फॉलो करता है इसको क्या बोलते हैं अनस्टेडी फ्लो तो ये जो साइंटिस्ट थे रेनॉल्ड इन्होंने इस पे काफी कुछ रिसर्च किया कई सारे फ्लूइड्स पे कई सारे प्रोजेक्शन पे कई सारे चीजों पे राइट तो उसमें इन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्शन पे अगर हमें कुछ चीजें पता हो तो हाउ वी कैन से दैट लाइक एट दैट प्रोजेक्शन व्हाट काइंड ऑफ फ्लो इज ओके टर्बुलेंट फ्लो का मतलब बेसिकली ये है सिंपल लेट अस सपोज इजी सबसे इजी एग्जांपल मैं बताता हूं लेट अस सपोज आपके घर में ऑब्वियस बात है कि टैप वाटर आता होगा तो जो टैप वाटर में आपने एक पाइप लगा दी इस तरीके से ठीक है इस तरीके से क्या किया पाइप लगा दिया और ठीक है पानी यहां से इस तरीके से निकल रहा है नॉर्मली ठीक है आपने क्या किया अपने हाथ को यहाँ पे लगा दिया अपने हैंड को इस तरीके से राइट जस्ट उसके ओपनिंग के पास जैसे हम हाथ लगाएंगे क्या होगा पार्टिकल्स इधर 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 इस तरीके से स्प्रेड हो जाएंगे राइट इस तरीके के फ्लो जहां पे सडन चेंज आ जाए ठीक है मतलब जस्ट जैसे अभी इसके पहले क्या था नॉर्मली एक बोल सकते हो कांस्टेंट स्पीड से या फिर एक रेगुलर फ्लो था कोई हिंड्रेंस नहीं था कोई डिस्टरबेंस नहीं था एक रेगुलरिटी थी बट हमने क्या कि यहां पे एक हिंड्रेंस लगा दिया हमारा हाथ भी हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ठीक है तो उससे जो फ्लो क्रिएट हुआ या फ्लो या बेसिकली जो चेंज इन फ्लो हुआ उसी को उस टाइप का फ्लो को क्या बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस हो फ्लो में मतलब एक इनिशियली एक रेगुलर फ्लो चल रहा था फिर उसके बाद एक सडन चेंज आ गया दूसरा तरीका अगर आप समझना चाहो मान लो कि लेट अस सपोज आप कार से इस तरीके से जा रहे हो कैसे ऐसे कार है जा रहे हो आप आगे और रोड्स अगर खाली हैं तो विंड जो हवा है विंड है उस मान लो किस तरीके से फ्लो कर रही है ठीक है नॉर्मली रोड्स पूरी खाली है अब जैसे ही आपकी कार आएगी कार इस डायरेक्शन में कर रही है पर जो विंड्स है इधर लेफ्ट वर्ड मूव कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में विंड की कुछ स्पीड है जैसे ही कार का ये जो फ्रैक्शन आएगा इससे क्या होगा जो अब ये जो विंड है जो हवा वो इस तरफ फ्लो करना चाहती थी बट बिकॉज ऑफ दिस हिंड्रेंस से क्या होगा
इधर इधर इस डायरेक्शन में कुछ इस डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन कुछ नीचे स्प्रेड हो जाएंगे. सो एट दिस इंस्टेंट ये क्या है, दिस इज द टर्बुलेंट फ्लो. जहां पे कुछ एक्सटर्नल हिंड्रेंस की वजह से जो रेगुलर या नॉर्मल फ्लो चल रहा था फ्लूड का गैस का कुछ भी हो सकता है, दैट फ्लो इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो. क्लियर है आपको ये? अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो सकते हो, अ लार्ज अमाउंट ऑफ इररेगुलरिटी क्रिएटेड बाय सम एक्सटर्नल एजेंट और एक्सटर्नल फ्लो इन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूड और इन द फ्लूड इन फ्लूड में दोनों चीजें आ जाएंगी, इस कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो. ठीक है, एग्जांपल इस तरीके से आप दे सकते हो. तो जो रेनॉल्ड साइंटिस्ट थे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया और उसी को बोलते हैं क्या, रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर इसको इस तरीके से आर से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर्मूला क्या दिया उन्होंने, रो डेंसिटी इनटू वेलोसिटी इनटू डी इज द डायमीटर ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय एटा. ये रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला राइट, कि इस फॉर्मूले को यूज करके जो वैल्यू आपकी आएगी एंड दैट वैल्यू विल बी ऑफ द रेंज ऑफ 1000 के रेंज में आएगा ये. तो अगर ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है इसकी वैल्यू इफ आर ई इज लेस देन 1000, अगर 1000 से कम आता है देन द फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइन और लैमिनर. इफ आर ई इज लेस देन 1000 देन द फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइन राइट, स्ट्रीमलाइन या लैमिनर जरूर. But if RE is greater than 2000, अगर इसकी वैल्यू 2000 से ग्रेटर आती है, then the flow will be turbulent. V is the velocity of the fluid, D is the diameter, लिख लो इस तरीके से. Rho first, this is the density. V is the velocity, D is the diameter of the pipe. जो पाइप है उस पाइप का डायमीटर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो. लिख लो एटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लो. नोट कर लिया आपने इसको? यस सर. ओके ठीक. बेसिकली इन्होंने एक फॉर्मूला दिया और इस पे भी एक दो बार जेईई से पूछा जा चुका है पिछले तीन चार दो तीन सालों में. ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है. इसमें नेचर ऑफ फ्लो आपको वैल्यू सारी गिवन रहेंगे. एक उससे पूछ देगा व्हाट इज द नेचर ऑफ फ्लो राइट. अगर मुझे फॉर्मूला याद होगा बता सकते. कुछ क्वेश्चन हम लाइक जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं. ठीक है, ट्राई करो आप इसको पढ़ के क्वेश्चन को. सर बर्नौली थ्योरम या फिर जो चीज आपने पढ़ी उसी पर डायरेक्टली बेस्ड है.
कुछ अलग है। समझ में आ रहा है आपको ये क्वेश्चन? यस। सर बी है क्या आंसर? रिटर्न कॉन्फ्लिक्शन बेसिकली कुछ ऐसा भाई टाइप के लिए इस तरीके का टाइप लाइक दिस ऐसा कॉन्फ्लिक्शन इस दिस पार्ट हो गया ये वाला प्रश्न हो गया दो प्रश्न हैं आपके सामने एक मान लो कि ये ए वन है एंड दिस इज ए बेसिकली अवर हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है इसका ये ऐसे ऑलरेडी बोला है सो व्हाट इज फ्रेम फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप लाइन हैविंग ए कॉन्फ्लिक्शन देन आपको बेसिकली ठीक है अगर इसमें वन टू पॉइंट नहीं है बाइडर और कॉन्फ्लिक्शन पार्ट बोला है तो उस फॉर्मेट में आपको बोला है क्या बी नहीं बी सही नहीं आप सिंपल थोड़ा बर्नौली थ्योरम को अप्लाई करोगे ना आप समझ जाओगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देन फिर आपको बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा एक सिंपल रिलेशन आपको निकालना पड़ेगा सिंपल रिलेशन को अगर आपने निकाल दिया तो इजीली आंसर कर सकते हो
राइट, सिंपल थोड़ा सा लॉजिक, लॉजिक क्या बेसिकली आप फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ मान लेते वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, मान लेते यहाँ पर प्रेशर p1 है, यहाँ प्रेशर p2 है, राइट। तो कर आप उस तरीके से देख के बता सकते हो, खैर इसमें फिगर बनाया नहीं तो हमें वो करना पड़ेगा कि फ्लो इधर से राइट टू लेफ्ट हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, ठीक है। तो अगर फिगर बना रहा तो हमें देख के ऐसे बता सकते हैं, लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है तो सिंपल हमें समझ में आता है कि फ्लो किधर से किधर होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो P1 इज ग्रेटर देन Q2। बट इस पर मैथमेटिकल भी देख सकते हैं, पहले इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाने हम क्या पूछ रहे थे, A1 V1 is equal to A2 V2, यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, सॉरी V2 इज ग्रेटर देन V1, क्यों, A2 इज स्मॉलर देन A1। फिर बनावली थ्योरम हम लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, प्रेशर एट वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर एट टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से पी वन माइनस पी टू हम लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रो बाय टू इंटू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, सिंस वी टू इज ग्रेटर देन वी वन सो दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव, मींस दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन जीरो, राइट। सो पी वन माइनस पी टू विल आल्सो बी ग्रेटर देन जीरो, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पी वन माइनस पी टू is greater than zero. This implies P1 is greater than P2. Clear है? Yes. Okay. Let's go to question. ये भी एक अच्छा पार्ट है। अब तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा शायद मैंने एक्सप्लेन किया था, तो बॉयसी को एक्सप्लेन कर रहे थे, बताना एक्सप्लेन करता हूँ। सही वाला समझा दूं। देखो बेसिकली इसमें क्या बोला है कि ऐसा ऑब्जेक्ट है जो फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, पहले उस सिचुएशन को हम समझ लेते हैं। लेट अस सपोज अगर कितना फ्लोट है इसमें, इस तरीके से ठीक है, कोई भी हम ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, मान लो कि हमने एक ऐसे ही स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, इस तरीके से कुछ पार्ट इसका डूबा हुआ, कुछ पार्ट इसमें इस फ्लूट के बाहर है, कुछ फ्रैक्शन पार्ट बाहर, लेट अस सपोज एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और उसका सेंटर यहाँ पर है एट दिस पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से। अगर आप ये तो खैर आपने इसमें फ्लूट में बना दिया, अगर इसको हम बाहर बनाए, अब इसमें दो चीजें कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो mg फोर्स नीचे लगेगा और बंसी फोर्स ऊपर लगेगा, तो बेसिकली हमें ये समझना है इसमें जो बंसी फोर्स है वो किस पॉइंट पर एक्ट करेगा, ठीक है। एमजी फोर्स तो हमें सिंपली समझ में आ रहा है, अगर हमने यूनिफॉर्म स्फीयर लिया तो सिंपल सी बात कहाँ लगेगी, इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा और इस तरीके से डाउनवर्ड लगेगा, ये क्लियर है आपको? यस। जो बंसी फोर्स कहाँ लगता है, अब बंसी फोर्स उस पॉइंट पे लगता है, अगर मैं कैसे बताऊं आपको, सेंटर ऑफ मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, क्या सुना, सेंटर ऑफ मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इसको समझ कैसे सकते हो आप, जितना वाटर ये स्फीयर डिस्प्लेस कर रहा है ना उसका एक इमेजिनरी शेप बना, देखो मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, कुछ इस तरीके का शेप बनेगा लाइक दिस, कुछ ऐसा शेप बनेगा जो वाटर डिस्प्लेस कर रहा है स्फीयर, कुछ इस टाइप का, राइट, पार्शियल पार्ट ऑफ स्फीयर कुछ इस टाइप का, लाइक दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर, ठीक है। अब आप ये सोचो कि वाटर की जो डेंसिटी वो तो यूनिफॉर्म है, वो तो लाइक लेंथ या फिर हाइट के साथ वेरी नहीं कर रही है,
ये जो यूनिफॉर्म वॉल्यूम का एक क्या ऐसा बोल सकते इमेजिनरी वाटर का सेप है, इसका जो सेंटर लेटस और ये जो स्फीयर, स्फीयर का सेंटर कहीं यहाँ पर है इस पॉइंट पर, दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर ऐसा बोल सकते। ये जो इमेजिनरी हमने एक वाटर का सेप बनाए वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दैट स्फीयर, उसका जो हमने शेप बनाया इसका, या फिर ऐसा हम एज्यूम करें कि वाटर का ना एक पानी का या वाटर का एक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पर होगा, यू नीड टू बी लाइक अबव दिस सेंटर ऑफ मास, लाइक सेंटर ऑफ स्फीयर और बिलो, कहाँ होगा, बिलो होना चाहिए, ऑब्वियसली बिलो ही होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ फ्रैक्शन ऑफ पार्ट ऊपर से कट करके निकाल दिया गया, तो हमें क्लियरली देख के समझ में आ रहा है कि ये कहीं नीचे होगा, लाइक दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस इमेजिनरी दिस वाटर, ठीक है, ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो बॉयंसी फोर्स कहाँ लगता है, हमेशा याद रखना बॉयंसी फोर्स ऑलवेज एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली अगर कोई ऑब्जेक्ट पूरा डूब जाता था तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा, बट अगर पार्शली डूबा हुआ और फ्लोट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, उस पॉइंट पर बायंसी फोर्स लगेगा, इस पॉइंट का बायंसी फोर्स कहाँ लगेगा, अगर ये सेंटर है इस स्फीयर का तो स्लाइटली नीचे इस पॉइंट पर लगेगा, कुछ इस तरीके से क्लियरली समझ में आ रहा है कि बायंसी फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है स्लाइटली बिलो द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर, राइट, और इस केस में अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर ऑफ मास से क्या होगा स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा है, राइट, तो इसमें क्या पूछा है सेंटर ऑफ बायंसी शुड बी तो सेंटर ऑफ बायंसी कहाँ होगा ऑब्वियसली हमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके स्लाइटली नीचे होगा। इसमें आपको क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बेसिकली आपको इसमें निकालना पड़ेगा, ट्राई करो। समझ में आ रहा है आपको किसको कैसे सॉल्व करना है? ओके, सर इसमें आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है। हम लोग को फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो इस तरीके से
dt by dt, right? अब इसमें क्या बोल रहा है, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन, ऐसे ट्यूब है या पाइप है, कुछ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है और ऐसे ही फ्लो कर रहा है और कुछ एक्सटर्नल, ठीक है भाई, बायो पाम के थ्रू क्या कर रहा है इस, ठीक है मैं सिंपल से ऐसे इसको बता रहा हूँ, ऐसे इससे टकरा के सब क्या बोल रहा है, इसमें दैट वाटर स्टॉप इमीडिएटली आफ्टर हिटिंग द पाम, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी सारे पार्टिकल क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो डीवी मीन्स चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, पी फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, जीरो, ठीक है, जो भी होगा वो क्या होगा, वो सिंपल सॉरी इनिशियल मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम बाई डीटी हमें निकालना है, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मोमेंटम क्या होता है, सिंपली मास इनटू वेलोसिटी, राइट। अगर हम डीटी टाइम के लिए कंसीडर करें, ठीक है, इट इज कंसीडर फॉर डीटी टाइम, राइट। अगर डीटी टाइम के लिए हम कंसीडर करें, सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ मास, कितना मास पास हो जाएगा इन डीटी टाइम। So, अगर इस प्रोजेक्शन को हम ध्यान से देखें इस तरीके से, लाइक दिस, तो लेट अस सपोज डीटी टाइम में कितना मास निकल जाएगा बाहर, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, बीडीटी, बीडीटी, राइट, एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ए, वॉल्यूम पासिंग इन डीटी टाइम कितना हो जाएगा, सिंपली ए बीडीटी हो जाएगा, तो मास कितना हो जाएगा, डीएम मास, इट विल बी सिंपली डेंसिटी रो इनटू ए DDT हो जाएगा, this is the DM mass, right? जो DD time में pass हुआ, right? तो change in momentum लिख final तो हमें समझ में आ गया कि zero हो गया, तो initial momentum या फिर force हम लिखेंगे, तो simply क्या momentum, लेकिन initial momentum upon DT, initial momentum क्या हो जाएगा, simply DM into V हो जाएगा, हम small time DT के लिए consider कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, DM into V by DT, तो DM हमारा कितना आ गया, rho A to B dt into rho, sorry, into B by dt. तो dt dt क्या हो जाएगा, यहाँ से cancel out हो जाएगा, finally हमें क्या बचेगा, rho A into V square. Rho is the density, ये चीज हमने साथ दिया हुआ है, 10 to the power 3, area कितना होती है, 10 to the power minus 2, और speed हमें दिया, सब कुछ हमें बाकी दिया, 10 to the power 3, area is 10 to the power minus 2, velocity is 1.5 km per second. समझ में आया कैसे सॉल्व हो रहा है? Yes. Basically हमने DD time के लिए कंस्ट्रक्ट करके उसको साथ हम एक सेकंड के लिए कर सकते हैं, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा बोलना सही नहीं प्रैक्टिकली, बट ठीक है, हम कर सकते हैं कैलिब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सही, अगर हम DD हम 1 सेकंड में जो चीज है, बट ठीक है, DD हम स्मार्ट टाइम लेके उसको कर सकते हैं। सॉल्व करो, आप क्या वैल्यू आ रही है, 22.5, राइट, ये आ जाएगा 22.5। चलो पढ़िए नेक्स्ट, ये भी एक फोर्स से ये रिलेटेड है, अच्छा क्वेश्चन, ट्राई करो इस बार, सिंपल अगर आप फिगर बना के ट्राई करोगे तो आप इजीली कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, आपको चीजें समझ, खैर वैसे ही मैं इसमें भी क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है, ऐसी चीजें वैरी करें तो आप वैसे भी कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते
समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व होगा? सर 7.2 आया। 7.2 राइट। बेसिकली आपको फोर्स बैलेंस करना है, तो बायसी फोर्स इज इक्वल टू दैट एमजी फोर्स। ओके आप ट्राई कर सकते हो, एक मिनट ट्राई करो इसको। अरे तो सिंपली आप एक केस में क्वांटम इफेक्ट यूज करके कर सकते हो। नॉन सेक्शनल है मतलब ना? नॉन सेक्शनल डिफरेंशियल एनालिसिस सेक्शंस और जस्ट लाइक वो सिमिलर नहीं है, जो क्रॉस सेक्शन है वो इररेगुलर है। देख मतलब इस तरीके से लाइक ऐसा कुछ इररेगुलरिटी इन क्रॉस सेक्शन। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है नॉट क्यूब। सर 80 मीटर पर सेकंड कितना है सर? 80 सी। ठीक है ठीक है, क्या हो जाएगा दिस इनटू इन मीटर, सॉरी मिलीमीटर में दिया हुआ, इसको कन्वर्ट करेंगे क्या आता है 10^-2 आ जाएगा इनटू बी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा। हां यस राइट। ठीक है, कितना 80 आ रहा है ना? यस। ठीक है ठीक है ओके। बाकी अगर आप आज जो हमने डिस्कस किया उसमें कुछ पूछना है आपको तो बताऊं, एनीथिंग? नो सर। तो अभी ये आप बताओ, 11th का आपका जो स्कूल का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है या फिर अभी चल रहा है? सर हो गया, बस वो वेव्स कराया नहीं हमें, वो सर ने बोला कि अभी 12th के साथ ही कराएंगे। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी जैसे फ्लूड बुक तो मानो ऑलमोस्ट हो गया, अगर कुछ टॉपिक अगर आपको लगेगा कि फ्लूड में कोई पॉइंट बचा तो बता देना, कुछ मुझे लग रहा है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा तो 11th का अभी आप क्या पढ़ना चाहोगे बताओ? मुझे लगता है कि SSM हमने डिस्कस कर लिया था ना, सिंपल हार्मोनिक। हाँ यस SSM कर लिया। ओके तो हम वेव पढ़ सकते हैं उसके बाद। ठीक है सर वेव पढ़ लें। ठीक है चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से वेव स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ओके सर। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सो मच। Thank you.